हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास समष्टि अर्थशास्त्र का एक और चैप्टर जिसका नाम है मुद्रा। तो इस यूनिट के अंदर आपको दो चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, मुद्रा और बैंकिंग। तो आज की क्लास के अंदर हम मुद्रा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और पूरा चैप्टर आज की क्लास के अंदर ही मैं खत्म करवा दूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर, सारे टॉपिक खत्म होने वाले हैं। बस आप साथ साथ नोट करते रहना, वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं होने वाली, छोटी वीडियो है क्योंकि चैप्टर बहुत ही छोटा सा है और ज़्यादा टॉपिक्स भी इस चैप्टर के अंदर नहीं है। तो आइए हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम के अंदर इस वाले चैप्टर के अंदर से 4 मार्क्स तक का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चैप्टर का नाम क्या है? मुद्रा। और मुद्रा चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम मुद्रा का विकास पढ़ेंगे, क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे, मुद्रा की परिभाषाएं पढ़ेंगे अलग अलग, और मुद्रा के रूप पढ़ने वाले, मुद्रा के कार्य, और लास्ट में हम पढ़ेंगे मुद्रा पूर्ति। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, ठीक है। और इनमें से ही कोई एक क्वेश्चन हमारे 4 नंबर का 3 नंबर, कई बार ऐसा भी होता है कि 1-1 मार्क्स में इसके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कई बार 2 मार्क्स में भी आते हैं, कई बार 4 मार्क्स में भी एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाता है। तो कुल मिलाकर यह है कि इसकी जो वेटेज है वो लगभग 4 नंबर तक की एग्जाम के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग चैप्टर। सबसे पहले हम जो यहाँ पढ़ने वाले वो हम मुद्रा का विकास पढ़ने वाले हैं। देखो, कोई भी इंसान मुद्रा से आज के टाइम पर छूटा हुआ तो नहीं है, हर इंसान मुद्रा के बारे में जानता है। आज अगर हम देखते हैं मार्केट के अंदर तो मनी अलग अलग फॉर्म्स के अंदर होती है, जैसे करेंसी नोट्स हैं, ठीक है, सिक्के पाए जाते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारे डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट्स यूज़ कर रहे हैं मनी के रूप में। इसके अलावा मनी के रूप में हम चेक को यूज़ कर रहे हैं, ड्राफ्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं कि भाई मुद्रा क्या होती है, मुद्रा कैसे कार्य करता है, और पुराने ज़माने में मुद्रा कैसी थी, अब मुद्रा जो है किस रूप में आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है, मुद्रा का विकास किस तरीके से हुआ है, ठीक है। आज जो हम मुद्रा देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, जैसे हम करेंसी नोट देख रहे हैं, कॉइन्स देख रहे हैं, चेक देख रहे हैं, ड्राफ्ट देख रहे हैं, बहुत सारे डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट्स देख रहे हैं। लेकिन आज से हम कुछ टाइम पहले जाएंगे तो डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट्स नहीं थे। आज से हम थोड़ा और पीछे चले जाते हैं तो हम देखेंगे चेक ड्राफ्ट नहीं हुआ करते थे, और पीछे जाएंगे तो कभी बैंक भी नहीं हुआ करते थे, और पीछे जाएंगे तो हम देखेंगे कागज के नोट नहीं होते थे, सोने चांदी के सिक्के चलते थे, और पुरानी सभ्यताओं में हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि वहां पर वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, यहां यानी वहां पर कोई मुद्रा नहीं चलती थी बल्कि हम वस्तुओं को ही मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें यही बताया जाएगा कि मुद्रा का विकास धीरे धीरे किस तरीके से हुआ। देखो, सबसे पुराने जमाने के अंदर ना वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, और वस्तु विनिमय प्रणाली में हम वस्तु मुद्रा यूज करते थे। वस्तु मुद्रा का मतलब क्या होता है कि यहां पर हम, जैसे आजकल हम किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए पैसों का इस्तेमाल करते हैं, तो पहले हम एक वस्तु को खरीदने के लिए दूसरी वस्तु का इस्तेमाल करते थे। जैसे अगर हमें चावल चाहिए तो हम कपड़े दे देते थे, बदले में चावल ले लेते थे, इस तरीके से हम करते थे। तो इसे हम लोग कहते थे वस्तु मुद्रा। वस्तु मुद्रा कहाँ चलती थी? वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर चलती थी, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। उसके बाद हमारा दूसरा आता था धातु मुद्रा। देखो, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर ना बहुत सारी दिक्कतें थी। जैसे मैं मान के चलो फार्मर हूँ, तो मेरे पास अनाज है और मुझे ना कपड़ों की ज़रूरत है। तो मैं एक टेलर के पास गया, मैंने जाकर बोला कि आप अनाज ले लो और मुझे कपड़े दे दो। लेकिन वो जो टेलर है वो क्या कहता है कि मुझे अभी अनाज की ज़रूरत नहीं है। देखो, आजकल हमें ऐसी किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। आजकल हमें मार्केट के अंदर जो भी चाहिए तो हम वस्तु लेकर नहीं जाते हैं, हम बल्कि पैसा लेकर जाते हैं और अपनी पसंद की कोई भी चीज़ मार्केट से इजीली खरीद लेते हैं। क्योंकि जो बंदा किसी भी चीज़ को बेचता है तो वो पैसा आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है, उसे पता है कि मैं पैसे से कोई भी चीज़ खरीद सकता हूँ मार्केट के अंदर जो मेरी ज़रूरत का है, क्लियर होता है। लेकिन पहले वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी कि अगर मुझे, मैं जैसे मैंने बताया कि मैं फार्मर था और मुझे कपड़ों की ज़रूरत थी, तो मैं टेलर के पास गया, मैंने बोला आप अनाज लो और कपड़े दे दो, लेकिन उसे अभी अनाज की ज़रूरत नहीं है, तो अभी ये सौदा नहीं हो पाएगा। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हमें देखने के लिए मिलती थी, इसीलिए मार्केट के अंदर क्या आ गया, धातु मुद्रा। धातु मुद्रा के अंदर सोने और चांदी के सिक्के चलाए गए, सोने, चांदी, तांबे, इन सब चीज़ों के सिक्के चलाए गए। अब हमें वस्तु लेकर जाने की ज़रूरत नहीं थी, अब हम इन सिक्कों को लेकर जाते थे और मार्केट में कोई भी चीज़ खरीद लिया करते थे। लेकिन इन सिक्कों के अंदर ना एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। दिक्कत क्या थी कि सिक्के बहुत ज़्यादा हैवी हुआ करते थे और मेटल जो थे, मेटल की सप्लाई पूरी दुनिया के अंदर लिमिटेड थी, ठीक है।
तो सोने चांदी के सिक्के बहुत भारी होते थे और क्योंकि सोना और चांदी बहुत लिमिटेड था तो ज़्यादा सिक्के नहीं छापे जा सकते थे और इन सिक्कों को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। इनकी स्टोरेज कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती थी, यानी इनको स्टोर करना भी बहुत मुश्किल होता था क्योंकि बहुत बड़े होते थे और भारी हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद इसी दिक्कत को दूर करने के लिए मार्केट में क्या आ गया, कागज मुद्रा। अब 100 सिक्के मत छापो, 100 सिक्के के बदले एक कागज का नोट छाप दो। और कागज का नोट तो आज भी चलता है। वैसे बताया जाता है कि जो कागजी मुद्रा है वो सबसे पहले चाइना के अंदर चलाई गई थी। ठीक है, तो धातु मुद्रा को रिप्लेस कर दिया किसने, कागज की मुद्रा ने, और कागज की मुद्रा आज भी चलती है। कागज की मुद्रा में अच्छी बात क्या थी कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से लाना ले जाना इनको एक स्थान से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा इजी था और ये बहुत ज़्यादा क्या नाम है हल्के हुआ करते थे। और हमें 100 सिक्कों को छापने की जगह हम एक सिंगल नोट छाप देते थे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई। और कागज की मुद्रा तो आज भी हमारे देश के अंदर चलती है, 500 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट, 200 रुपये का नोट, ये कागज की मुद्रा का एग्जाम्पल है। अब कागज की मुद्रा के बाद आया सबसे लास्ट में साख मुद्रा। साख मुद्रा को आप लोग बैंक मुद्रा भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? बैंक मुद्रा। साख मुद्रा के बाद कैश को कम करने के लिए, या फिर लोग क्या करते थे, कैश बहुत ज़्यादा कैरी करते थे, बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन के अंदर बहुत सारा पैसा हमें नगद में देना पड़ता था, इस नगद के काम को कम करने के लिए मार्केट में क्या आया, साख मुद्रा। साख मुद्रा का मतलब बैंक आया है। ठीक है, बैंक ने चलाया चेक, बैंक ने चलाया ड्राफ्ट, फिर बैंक ने बहुत सारे ATM कार्ड्स चलाए, जैसे स्मार्ट कार्ड्स चलाए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीज़ें चलाई। ठीक है, इसके अलावा अब मार्केट के अंदर डिजिटल पेमेंट्स भी आ गए, जैसे आप लोग पेटीएम वगैरह यूज़ करते हो, ठीक है, गूगल पे यूज़ करते हो, तो ये सारी चीज़ें, तो इस तरीके से मुद्रा का विकास हुआ। तो एग्जाम में अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि मुद्रा का विकास कैसे कैसे हुआ तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आया था वस्तु मुद्रा, ठीक है, उसके बाद आया धातु मुद्रा, उसके बाद आया कागज मुद्रा, और उसके बाद आया साख मुद्रा। साख मुद्रा के अंदर सारी चीज़ें आती है, चेक, ड्राफ्ट, ये सारी चीज़ें साख मुद्रा के अंदर आ जाती है। उसके बाद हम एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। ये सबसे पहले चलती थी, सबसे पहले क्या चलती थी हमारे देश के अंदर, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब क्या है कि एक वस्तु दो और बदले में दूसरी वस्तु ले लो, तो इसे हम लोग क्या कहते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तुओं से आदान प्रदान क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। आजकल हमारे देश के अंदर कोई भी वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं चलती। ठीक है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर क्या क्या दिक्कतें थी, ये एग्जाम के अंदर एक बार क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा क्यों हुआ कि मार्केट के अंदर जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी उसे रिप्लेस करके मुद्रा लाया गया। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर बहुत सारी दिक्कतें थी और वो दिक्कत हम एक एक करके अभी डिस्कस करने वाले हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या क्या सीमाएं थी, सबसे पहला तो इसमें एक दिक्कत थी, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव होता था। इस मेथड के अंदर या वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर एक ही समय पर क्रेता और विक्रेता दोनों की आवश्यकता का पूरा होना जरूरी था। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं फार्मर हूँ तो मेरे पास अनाज है, और एक टेलर है जिसके पास कपड़े हैं, तो मुझे कपड़ों की अभी ज़रूरत है, लेकिन वो जो टेलर है उसको अभी अनाज की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसा टेलर ढूंढना पड़ेगा जो अनाज लेने के लिए तैयार हो जाए और मुझे कपड़े देने के लिए भी तैयार हो जाए। तो ऐसे लोगों को ढूंढना, ऐसे विक्रेताओं को ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था। तो इसी में लिखा है कि आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, एक ही समय पर जो आपका सामान लेने के लिए तैयार हो जाए और अपनी वस्तुएं देने के लिए तैयार हो जाए, ऐसे व्यक्तियों का बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर अभाव था। तो सबसे पहली दिक्कत आपको समझ में आ गई होगी कि वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या दिक्कत है, लेकिन यही दिक्कत आज नहीं पाई जाती। आज हम मार्केट के अंदर अगर हम कपड़े वाले से कपड़े खरीदने जाते हैं तो हमें अनाज लेके जाने की जरूरत नहीं है, हम पैसा लेकर जाते हैं, मुद्रा लेकर जाते हैं, और मुद्रा वो एक्सेप्ट कर ही लेगा क्योंकि मुद्रा से वो अपनी जरूरत का कोई भी सामान मार्केट से परचेज कर सकता है। उसके बाद आता है मूल्य की सर्वमान्य मापक इकाई का अभाव। पहले ना किसी भी चीज़ को नापने के लिए कोई हमारे पास मापक नहीं था, जैसे कि आज हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उसका पूरा मेन्यू होता है, हम किसी कपड़े की शॉप पे जाते हैं तो लिखा होता है शर्ट इतने का है, पैंट इतने का है, फर्नीचर की दुकान पे जाते हैं तो फर्नीचर के सारे रेट तय होता है, भाई ये चीज़ इतने की, ये चीज़ इतने की है। हम किसी ग्रॉसरीज़ की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें फिक्स होता है, दाल इतने रुपये किलो है, चावल इतने रुपये किलो है, या तेल इतने रुपये लीटर है, हर चीज़ मार्केट के अंदर फिक्स है पैसों के अंदर। लेकिन पहले ना मार्केट में ऐसा रेट फिक्स नहीं था, जैसे कि अगर मुझे 1 लीटर दूध चाहिए, ठीक है,
तो 1 लीटर दूध के बदले मुझे कितना कपड़ा देना होगा, 1 लीटर दूध के बदले मुझे कितना अनाज देना होगा। तो मार्केट के अंदर चीज़ों के रेट ना पहले फिक्स नहीं थे, ठीक है। अगर मान के चलो कि एक मार्केट के, मान लो मार्केट के अंदर 1000 चीज़ें चलती हैं, तो एक वस्तु को 999 वस्तुओं के अंदर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। आज हमें हर चीज़ को सिर्फ मुद्रा में कन्वर्ट करना है। आजकल हम जानते हैं कि एक फर्नीचर की जो वैल्यू है, हम क्या करते हैं, उसे मुद्रा में कन्वर्ट करते हैं। कपड़ों की वैल्यू को मुद्रा में कन्वर्ट करते हैं, हर चीज़ की वैल्यू को मुद्रा में कन्वर्ट करते हैं। और पहले क्या था, एक वस्तु का जो मूल्य है उसे बहुत सारी वस्तुओं में हमें कन्वर्ट करना पड़ता था, जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आया करती थी। तो इसे हम लोग कहते हैं मूल्य की सर्वमान मापक की इकाई का भाग। सभी वस्तुओं का एक समान कीमत नहीं होती, सभी वस्तुओं की कीमत एक समान नहीं होती। वस्तुओं और सेवाओं का कोई भी सर्वमान्य माप नहीं था, जिस लेन देन में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। आप ये उदाहरण देख पढ़ के भी थोड़ा आसानी से समझ सकते हो। उसके बाद आ जाता है भावी भुगतान में कठिनाई। बच्चों इसमें तीसरा पॉइंट है भावी भुगतान में कठिनाई। भावी का मतलब यहां पर होता है भविष्य। भविष्य में भुगतान करना काफी ज्यादा दिक्कत था। देखो आज ना हम बहुत सारी चीजें उधार में खरीदते हैं और बेचते हैं, उधार हम लेते हैं, उधार देते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी दिक्कत हमारे को सामने नहीं आती है। इसके पीछे दो रीजन है। पैसे की वैल्यू में कभी चेंज नहीं आता, जैसे आज जो 100 रुपए हैं कल भी वो 100 रुपए ही रहेंगे। दूसरा, पैसा पुराना हो या नया हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जितने में है उतने में ही मार्केट के अंदर चलेगा। लेकिन वस्तुओं के केस में ऐसा नहीं होता। देखो वस्तुओं की गुणवत्ता में परिवर्तन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी से 100 किलो गेहूं उधार लिया, ठीक है, और मैंने उससे बोला कि मैं 1 साल के बाद तुझे ये गेहूं वापस कर दूंगा, सबसे पहली बात तो हम गेहूं के ऊपर इंटरेस्ट कैसे लगाएंगे। चलो हमने इंटरेस्ट लगा भी लिया कि भाई 100 किलो उसने मुझे गेहूं दिया था तो मैं उसे 110 किलो गेहूं वापस कर दूंगा, लेकिन उसने जो मुझे गेहूं दिया था वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का गेहूं था और मैं जो उसे गेहूं दे रहा हूं वो थोड़ा सा खराब क्वालिटी का है। तो अब देखो वस्तुओं की तो क्या होती है, अलग अलग क्वालिटी होती है, जबकि मुद्रा की अलग अलग क्वालिटी नहीं होती। 100 रुपए का नोट चाहे नया हो चाहे पुराना हो, चाहे उस पर मिट्टी लगी हो, फिर भी वो 100 रुपए में ही चलेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भावी भुगतान में कठिनाई, ऐसा देखा गया कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कोई भी बंदा उधार लेना और देना नहीं चाहता था। रीजन ये था कि वस्तुओं के में होने वाला जो भविष्य में परिवर्तन था, भविष्य के अंदर वस्तुओं की गुणवत्ता में बहुत जल्दी परिवर्तन आ जाया करता था। अगला था मूल्य संचय में कठिनाई। देखो आजकल हर बंदा अपनी वेल्थ को बहुत इजीली जमा कर लेता है, संपत्ति बहुत इजीली जमा कर लेता है। अगर कोई कपड़े का काम करता है तो वो कपड़ा जमा नहीं करेगा, वो क्या जमा करेगा, पैसा जमा करेगा। अगर कोई फर्नीचर का काम करता है तो भी वो पैसा ही जमा करेगा। अगर कोई सोने का काम करता है तो भी वो पैसा ही जमा करेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि आज कोई भी बंदा किसी भी चीज का काम करता हो, अपनी वेल्थ, अपनी संपत्ति को वो पैसों के रूप में यानी मुद्रा के रूप में जमा करता है। लेकिन सोचो वस्तु विनिमय प्रणाली में जब मुद्रा नहीं चलती थी तो इंसान अपनी वेल्थ कैसे जमा करेगा? क्या सब्जी वाले के लिए सब्जी जमा करना पॉसिबल है? क्या भेड़ बकरी वालों के लिए, क्या मुर्गी वाले के लिए मुर्गी जमा करना पॉसिबल है? क्या फर्नीचर वाले के लिए फर्नीचर इतना सारा जमा करना पॉसिबल है? तो पहले मूल्य संचय नहीं हो पाता था जब मुद्रा नहीं था, लेकिन मुद्रा ने आकर मूल्य संचय की, वस्तु विनिमय प्रणाली की इस कठिनाई को भी दूर कर दिया। क्लियर? तो ये आप पढ़ोगे ये आपको इजिली समझ में आ जाएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली के मैंने आपको 4 बड़ी समस्याएं बताई हैं। ये 4 समस्याओं की वजह से ही मार्केट के अंदर मुद्रा को इंट्रोड्यूस किया गया था। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं मुद्रा की परिभाषा। देखो मुद्रा की ना हम अलग अलग तरीके से परिभाषा दे सकते हैं। जैसे कि मुद्रा की परिभाषा हमारे देश की सरकार यानी कि हमारे देश का जो कानून है वो अलग तरीके से मुद्रा की परिभाषा रखता है। इसी तरीके से कार्य के आधार पर हम मुद्रा की अलग परिभाषा रखते हैं और इसी तरीके से हम तरलता के आधार पर मुद्रा की अलग तरीके से परिभाषा रखते हैं। तो हम यहाँ पर 3 तरीके की मुद्रा की परिभाषा के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारे देश की सरकार मुद्रा की क्या परिभाषा देती है, हम कार्य के आधार पर मुद्रा की क्या परिभाषा रख सकते हैं और तरलता के आधार पर हम मुद्रा की क्या परिभाषा रख सकते हैं। तो तीनों में से कोई भी परिभाषा हमारे एग्जाम में आ जाती है और बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि मुद्रा की परिभाषा एग्जाम के अंदर पूछी गई है। सबसे पहले हमारे देश की सरकार जिस चीज को मुद्रा कहती है, उसे हमारे देश की सरकार वैधानिक मुद्रा के नाम से जानती है। किस नाम से जानती है? वैधानिक मुद्रा। जिस चीज को हमारे देश की सरकार मुद्रा कहती है उसे वो वैधानिक मुद्रा के नाम से जानती है, यानी कि उसे विधिग्राह्य मुद्रा भी कह देते हैं हम लोग। कई नाम है इसके, वैधानिक मुद्रा,
विधि ग्राह्य मुद्रा या विधि मान्य मुद्रा। बात समझ में आ गई, जिस चीज को हमारे देश की सरकार मुद्रा कहती है उसे हम लोग वैधानिक मुद्रा कहते हैं। पता है हमारे देश की जो सरकार है वो सिर्फ दो ही चीजों को मुद्रा मानती है। कानूनी रूप से हमारे देश में सिर्फ दो ही चीजों को मुद्रा माना जाता है, करेंसी नोट और दूसरा हमारा सिक्के। करेंसी नोट और दूसरा हमारा सिक्के, यानी कि कागज के नोट और सिक्के। तो करेंसी नोट में आजकल 500 रुपए का नोट चलता है, ठीक है, इसके अलावा 200 रुपए का नोट चलता है, 100 रुपए का, 50 रुपए का, 20 रुपए का और 10 रुपए का, ये है नोट। इसके अलावा सिक्के, 20 रुपए का सिक्का है, 10 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है और 2 रुपए का सिक्का और 1 रुपए का सिक्का है। तो ये जो सिक्के हैं और ये जो नोट है जो मैंने बताया, इनको हम कहते हैं वैधानिक मुद्रा। इसके अलावा जो चेक है, ये जो ड्राफ्ट है, ये जो बिल्स हैं, ये जो शेयर्स हैं, ये मार्केट में लोगों ने चलाए हैं, बैंकों ने चलाए हैं, संस्थाओं ने चलाए हैं, इसको हम कानूनी रूप से मुद्रा नहीं कह सकते हैं। बात समझ में आ गई। कानूनन रूप से हमारे देश में दो ही मुद्रा है, करेंसी नोट और सिक्के। क्लियर। अच्छा, सिक्कों को हम लोग सीमित विधि मान्य मुद्रा भी कहते हैं। सिक्कों को क्या कहते हैं? सीमित विधि मान्य। पता है क्या होता है, अगर हमें किसी इंसान को पेमेंट करनी है तो हम सिक्कों में ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए की पेमेंट कर सकते हैं। देखो, क्योंकि सिक्कों को गिनना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसको स्टोर करना मुश्किल होता है, तो ये बात गवर्नमेंट अच्छी तरीके से जानती है। गवर्नमेंट कहती है, यार तुम किसी को अगर सिक्कों में पेमेंट कर रहे हो ना, तो 1,000 से ज्यादा की मत करना, क्योंकि सामने वाले को दिक्कत हो सकती है। हाँ, अगर सामने वाला 1,000 रुपए से ज्यादा के सिक्के लेने के लिए तैयार है तब आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे आपको 5,000 रुपए देने और मैं आपके सामने 1-1 रुपए के सिक्के ले जाके रख दूं, तो आपको कैसा लगेगा? भाई गिनने में कितना टाइम लगेगा? आप क्या करोगे? मनी मन मेरे को 10 गाली सुना दोगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो सिक्के हैं, सरकार कहती है कि वो सीमित विधि मान्य मुद्रा है। कैसा है? सीमित विधि मान्य मुद्रा है। और जो करेंसी नोट है, आप उसमें कितनी भी पेमेंट कर सकते हो, चाहे 1 लाख की करो, चाहे 1 करोड़ की करो। तो ये क्या हमारे लिए? असीमित विधि मान्य मुद्रा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। वैधानिक मुद्रा वो मुद्रा होती है जो देश की सरकार के द्वारा कानूनी रूप से चलाई जाती है, और भारत की सरकार ने कानूनन रूप से सिर्फ दो ही चीजें चलाती है, करेंसी नोट और सिक्के। करेंसी नोट जो कि आरबीआई से वो छपवाती है, और सिक्के जो भारत का वित्त मंत्रालय छापता है। क्लियर हो गया। करेंसी नोट को हम लोग असीमित विधि मान्य मुद्रा कहते हैं, और सिक्कों को हम लोग सीमित विधि मान्य मुद्रा कहते हैं, क्योंकि 1,000 रुपए तक आप क्या कर सकते हैं, किसी को 1,000 रुपए तक इसकी पेमेंट कर सकते हैं सिक्के के अंदर। और करेंसी नोट में आप किसी भी मात्रा में ऋण को चुकाया जा सकता है, इसलिए इस कागजी नोट को हम लोग क्या कह देते हैं? असीमित विधि मान्य मुद्रा कह देते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गया। एक आता है गैर विधि ग्राह्य मुद्रा, या इसे हम लोग ऐच्छिक मुद्रा भी कहते हैं। भारत सरकार ने हमारे देश में सिर्फ दो चीजें मुद्रा के रूप में चलाई है, करेंसी नोट और दूसरा सिक्के। लेकिन इसके अलावा मार्केट में चेक भी चल रहा है पेमेंट करने के लिए, ड्राफ्ट भी चल रहा है, स्मार्ट कार्ड भी चल रहे हैं बहुत सारे, शेयर्स भी चल रहे हैं, डिबेंचर्स भी चल रहे हैं। यार ये भी ना पैसों के रूप में मार्केट के अंदर आजकल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन क्या इसे सरकार ने चलाया, इसे संस्थाओं ने चलाया, इसे बैंकों ने चलाया? तो इसको हम लोग कह देते हैं ऐच्छिक मुद्रा। करेंसी नोट और सिक्कों को छोड़कर जितनी मुद्रा हमारे देश में स्वीकार की जाती है लोगों की सहमति से, उसे हम लोग गैर विधि ग्राह्य मुद्रा या ऐच्छिक मुद्रा के नाम से जानते हैं। तो ये मैंने आपको वैधानिक मुद्रा अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा दिया है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। उसके बाद अगला आ जाता है मुद्रा की कार्य आधारित परिभाषा। बच्चों, मुद्रा के 4 प्रमुख कार्य होते हैं। अभी हम मुद्रा के कार्यों के ऊपर भी जाने वाले हैं, तो पहले बता देता हूं मुद्रा के 4 प्रमुख कार्य होते हैं। पहला कार्य होता है माध्यम का काम करना। किसका काम करना? माध्यम। जैसे भी हम कोई चीज खरीदते हैं और बेचते हैं, तो उस खरीदने बेचने में मुद्रा जो होता है माध्यम का काम करता है। आप दुकान पर गए, दुकान पर जाकर एक शर्ट खरीदी 500 रुपए की, तो शर्ट आपने लिया और बदले में क्या दिया? पैसा। तो पैसा माध्यम बना उस शर्ट को अदला बदली करने में। क्लियर होता है। इसके अलावा मुद्रा मापक का काम करता है। मापक का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को नापना। जैसे आप किसी दुकान पर जाते हो, बोलते हो भैया 1 किलो चावल कितने का, 1 किलो चीनी कितने का, भैया ये शर्ट कितने का, ये पैंट कितने का है, ये फर्नीचर कितने का है। तो मुद्रा हर चीज को नापने का काम करता है कि किसकी कितनी वैल्यू है। इसके अलावा माध्यम हो गया, मापक हो गया, मान। मुद्रा हर चीज का मान निकालता है। अगर तुमने 1 लाख रुपए किसी से लोन लिया हुआ है, उधार लिया है, तो 5 साल बाद आपको कितना पेमेंट करना है, मुद्रा इजिली इंटरेस्ट के हिसाब से आपको कैलकुलेट कर देता है। इसके अलावा होता है भंडार। मुद्रा को हम भंडार कर सकते हैं। पहले हम चीजों को भंडार नहीं कर सकते थे, मुद्रा को भंडार कर सकते हैं, इसलिए हर इंसान अपनी संपत्ति को अब जमा करवा पाता है। तो मुद्रा के 4 कार्य हैं, माध्यम, मापक, मान और भंडार। लेकिन आपको मैं बताता हूं कि जो लोग इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते
उनके दिमाग के अंदर मुद्रा का सिर्फ एक ही कार्य होता है और वो होता है माध्यम। अगर मैं आपसे ही पूछता, और आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी तो आपसे ही पूछूंगा कि मुद्रा का क्या कार्य है, आप सिंपल बोलोगे यार पैसा एक ऐसी चीज है जिससे हम किसी भी चीज को खरीद बेच सकते हैं। इसका मतलब हमारे दिमाग के अंदर मुद्रा का सिर्फ एक ही काम होता है, वो होता है माध्यम। लेकिन मुद्रा के और भी कई सारे काम होते हैं। तो मुद्रा का और काम है माध्यम के अलावा मापक, मान, भंडार। तो मुद्रा के इन्हीं कार्यों के ऊपर आधारित है मुद्रा की ये परिभाषा। ठीक है, सबसे पहले मुद्रा की एक होती है संकुचित परिभाषा। कैसी परिभाषा? संकुचित। मुद्रा की संकुचित परिभाषा में हम मुद्रा के सिर्फ माध्यम काम को ही इंक्लूड करते हैं। मतलब हम मानते हैं कि मुद्रा सिर्फ एक ही काम करता है, वो है माध्यम का। क्लियर हुआ? लेकिन मुद्रा की विस्तृत यानी कि बड़ी परिभाषा में हम मुद्रा के माध्यम से लेकर मुद्रा के मूल्य संचय तक का काम भी इसके अंदर जोड़ दिया जाता है। तो यह है मुद्रा की कार्य आधारित परिभाषा। क्लियर हुआ? उसके बाद आ जाता है तरलता के आधार पर हम मुद्रा की क्या परिभाषा देते हैं। तरलता के आधार पर हम मुद्रा की क्या परिभाषा देते हैं। देखो, मार्केट के अंदर कई सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे हम इमीडिएट पेमेंट कर सकते हैं, और मार्केट में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम इमीडिएट पेमेंट नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल देता हूं, आपकी जेब के अंदर 100 रुपए है, आप दुकान पे जाते हो बोलते भैया 100 रुपए का ये हमारे को चीनी चाहिए, 100 रुपए का ये दाल चाहिए, 100 रुपए का ये चिप्स चाहिए। इजीली दुकान वाला आपको पे कर देगा। करेंसी नोट और सिक्के बहुत तरल होते हैं, इनको हम इजीली पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा चेक में हम किसी को इजीली पेमेंट कर सकते हैं, ड्राफ्ट में पेमेंट कर सकते हैं, हम किसी को बिल्स में भी पेमेंट कर सकते हैं। ये मुद्रा के सबसे तरल रूप है जिससे हम आसानी से एकदम से पेमेंट कर सकते हैं। हम किसी इंसान से 2 लाख रुपए का सामान खरीदे तो हम तो उसको चेक में पेमेंट करेंगे, या किसी ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट में हम पेमेंट कर देंगे, हम कैश में पेमेंट कर सकते हैं। 2 लाख की पेमेंट हर बंदा किसी भी रूप में एक्सेप्ट करने के लिए वो तैयार होगा। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप किसी दुकान पर 1 किलो चीनी लेने के लिए गए और आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स पड़े हैं और उस शेयर्स की वैल्यू है 50 रुपए। मान के चलो आपने 1 किलो चीनी लिया, 1 किलो चीनी 50 रुपए का है। ठीक है, आपने 50 रुपए चीनी लिया और आपने बोला ये इस कंपनी के शेयर है, ये रख लो, इस शेयर को बेचकर आप अपने पैसे रख लेना। दुकान वाला 2 चांटे मार के तुम्हें दुकान से भगा देगा। भाई वो जो शेयर है ना, उस शेयर को कन्वर्ट करके आप उसे जल्द से जल्द पैसों में कन्वर्ट कर सकते हो। कुल मिलाकर बात यह है कि जो हम करेंसी नोट देखते हैं, सिक्के देखते हैं, चेक देखते हैं, ड्राफ्ट देखते हैं, वो है मुद्रा। लेकिन जहां पर हम शेयर्स की बात करते हैं, डिबेंचर्स की बात करते हैं, गोल्ड की बात करते हैं, तो ये सब क्या है? निकट मुद्रा। यानी कि इनको जल्द से जल्द हम मुद्रा में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? और मुद्रा में कन्वर्ट करके हम कैश ला सकते हैं। क्लियर होता है? तो एक होता है मुद्रा के अंदर, एक होता है मुद्रा। मुद्रा जो होता है वो सबसे तरल संपत्ति होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, जिसमें सिक्के, करेंसी नोट, बैंक मुद्रा जैसे चेक, ड्राफ्ट, ये सारी चीजें आ गई, इसे कहते हैं मुद्रा। एक होता है निकट मुद्रा। निकट मुद्रा में हम वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे को शामिल करते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय बचत खाते, रसीद, बॉन्ड, सार्वजनिक जमा, इसके अलावा शेयर्स, डिबेंचर्स, इन सब चीजों को हम लोग शामिल करते हैं। तो एग्जाम में कई बार आ जाता है मुद्रा क्या होता है, निकट मुद्रा क्या होता है, आपने याद रखना है। मुद्रा मतलब होता है करेंसी नोट, है ना, इसके अलावा सिक्के, चेक, ड्राफ्ट, ये सब क्या है? मुद्रा है। लेकिन निकट मुद्रा क्या है? जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब क्या है? निकट मुद्रा है। यानी कि मुद्रा नहीं है, लेकिन इनसे हम जल्द से जल्द मुद्रा ला सकते हैं और किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है भाई? नेक्स्ट हमारा मुद्रा के रूप। मुद्रा कितने रूप में होता है, मुद्रा कितने रूप में होता है। तो यहां पर मैंने कुछ रूप लिखे हुए हैं जो एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत बार, तो वो रूप मैंने यहां पर लिख दिए हैं। सबसे पहला होता है हमारा प्रमाणिक सिक्का, दूसरा हम पढ़ेंगे सांकेतिक सिक्का, फिर साख मुद्रा, फिर आदेश मुद्रा, और फिर हम पढ़ने वाले हैं न्यास मुद्रा। तो इन्हीं में से एग्जाम के अंदर बार बार क्वेश्चन पूछा गया, तो मैंने इसी के ऊपर जो है यही चीजें लिख दी है। सबसे पहले आते हैं प्रमाणिक सिक्का। सबसे पहली बात, इंडिया के अंदर अभी कोई भी प्रमाणिक सिक्का नहीं चलता है। इंडिया के अंदर भी कोई भी प्रमाणिक सिक्का नहीं चलता। पहले ना, बहुत पहले इंडिया के अंदर आजादी के समय भारत के अंदर एक रुपए का सिक्का चलता था। और वो 1 रुपए का सिक्का कैसा होता था कि जैसे वो 1 रुपए का मान लो सिक्का है, मान लो 1 रुपए का सिक्का है, तो उस 1 रुपए के सिक्के में जो धातु लगती थी, धातु मतलब सिक्के को बनाने के लिए कुछ मेटल का इस्तेमाल होता है ना, जैसे पीतल वगैरह, इन सब चीजों का इस्तेमाल होता है। तो पहले, आजादी से पहले हमारे देश में जो 1 रुपए का सिक्का चल रहा था, उस 1 रुपए के सिक्के को बनाने में जो धातु इस्तेमाल की जाती थी वो भी 1 रुपए के बराबर ही थी। कितने रुपए के बराबर थी? 1 रुपए के बराबर। तो इसका ना एक फायदा होता था, इसका एक फायदा ये होता था कि मार्केट के अंदर नकली सिक्के नहीं छप सकते थे। अगर कोई इंसान मार्केट के अंदर 1 रुपए का सिक्का नकली छापना चाहता है,
तो उसे उस सिक्के को छापने के लिए 1 रुपए की धातु लगानी पड़ेगी, तो उसको फायदा ही क्या होगा, जब उस धातु को बनाने में ही 1 रुपए लग जाएगा, ठीक है, तो उसको बेचकर भी 1 रुपए ही मिलेगा, तो उसको कोई फायदा नहीं होगा। तो इससे एक फायदा यह था कि नकली सिक्के मार्केट में अंदर छपने बंद हो गए थे। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी था जिसकी वजह से इसको बंद करना पड़ा। देखो जो धातु वगैरह है ना, इसकी मार्केट के अंदर क्या होती है, धीरे धीरे वैल्यू बढ़ जाती है। तो वो जो रुपया था वो 1 रुपए का ही था, लेकिन मार्केट में धातु की वैल्यू धीरे धीरे इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही थी, तो इसकी लोगों ने स्मगलिंग स्टार्ट कर दी, यानी दूसरे देशों में इन सिक्कों को इकट्ठा करा। इन सिक्कों को मान लो इंडियन मार्केट के अंदर इसकी वैल्यू 1 रुपए, लेकिन यही सिक्के दूसरे देशों में ले जाते थे जहां पर इनकी 1 रुपए से ज्यादा वैल्यू मिल जाती थी, क्योंकि सिक्कों के रेट मार्केट में बढ़ चुके थे। तो कुल मिलाकर इसीलिए इन सिक्कों को मार्केट के अंदर से बंद कर दिया गया। तो प्रमाणिक सिक्का क्या होता है? प्रमाणिक सिक्का एक ऐसा सिक्का होता है जिसमें उसकी फेस वैल्यू यानी सिक्के के ऊपर जो लिखा हुआ है और उसको बनाने की वैल्यू बिल्कुल 1 बराबर होती थी। वे सिक्के जिनका अंकित मूल्य मतलब जो इस पे लिखा हुआ है, अंकित मूल्य उसके निर्माण में लगी धातु के मूल्य के बराबर होती है। 1947 से पहले 1 रुपए का सिक्का भारत के अंदर प्रमाणिक सिक्का था, लेकिन आजकल भारत में कोई भी प्रमाणिक सिक्का नहीं चलाया जाता है। आजकल भारत में कौन से सिक्के चलाए जाते हैं? सांकेतिक सिक्के। अब ये सांकेतिक सिक्के क्या है? जैसे आजकल 20 रुपए का एक सिक्का चल रहा है, ठीक है, तो अगर ये सिक्का बिल्कुल सही सलामत है, साबुत है, बिल्कुल ठीक है, तो मार्केट में 20 रुपए में चलेगा। आप इस सिक्के के जो मेटल है इसको पिघला दो और मार्केट में बेचने जाओ, कोई आपको 1 रुपए भी नहीं देगा। यानी कि इसकी जो धातु है, इसकी धातु का मूल्य 1-2 रुपए है, लेकिन इस धातु से जो सिक्का बना हुआ है ये कितने रुपए का है? 20 रुपए का। इसीलिए आजकल पता है आपने देखा होगा मार्केट में नकली सिक्के बहुत ज़्यादा छप जाते हैं, क्योंकि 20 रुपए का सिक्के को छापने में 2-3 रुपए की धातु लगती है और 3-4 रुपए में बन के तैयार हो जाता है। इसीलिए मार्केट के अंदर बहुत सारी धांधली चल रही है, नकली सिक्के भी चलते हैं। लेकिन सांकेतिक सिक्कों में नकली जो हमने कौन सा पढ़ा था, हाँ, प्रमाणिक सिक्कों में पहले ना नकली सिक्के नहीं छप पाते थे, लेकिन मैंने दूसरा इसका रीजन बताया कि इसको बंद क्यों करा, क्योंकि मेटल की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ जाती है और मेटल की वैल्यू जो 1 रुपए लिखा है इससे ज्यादा बढ़ जाती है, तो लोग क्या करते हैं, सिक्के को पिघलाकर मेटल के रूप में बेच देते, तो ज्यादा पैसा मिल जाता था, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। लेकिन आजकल मार्केट के अंदर सिर्फ सांकेतिक सिक्के ही चलते हैं। सांकेतिक सिक्के वो सिक्के होते हैं जिनका अंकित मूल्य उसके प्रयुक्त धातु के मूल्य से अधिक होता है। आजकल जो 10 रुपए का सिक्का है उसमें जो धातु लगी हुई है वो 1-2 रुपए की है, ठीक है, और लेकिन अगर वो सिक्का सही सलामत है तो 10 रुपए में चल जाता है, तो इसे कहते हैं सांकेतिक सिक्के। इंडिया में आज सारे सांकेतिक सिक्के चलते हैं। एक होता है साख मुद्रा। हमारे देश में जितनी कागज की मुद्राएं चल रही है सब साख मुद्रा का एग्जाम्पल है। आजकल मार्केट के अंदर जो 500 रुपए का नोट चल रहा है, 500 रुपए के नोट को छापने में 10-12 रुपए का खर्चा आता है, कागज का जो खर्चा है 10-12 रुपए का, और वो कागज जब उस पर RBI की मोहर लग जाती है, सारी चीजें बिल्कुल प्रिंट हो जाता है, तो मार्केट में कितने रुपए का चल रहा है? 500 रुपए का। तो इसे हम लोग कहते हैं साख मुद्रा। हमारे देश के अंदर जितने भी कागज के नोट चल रहे हैं, जितने भी बिल्स चल रहे हैं, जितने भी ड्राफ्ट चल रहे हैं, जितने भी चेक चल रहे हैं, सब एक साख मुद्रा का एग्जाम्पल है। जैसे कि एक चेक है, एक चेक को छापने की जो कीमत होगी वो 2 रुपए की होगी मान लो, लेकिन हम चेक पे लिख देते हैं 1 करोड़, तो उस चेक से 1 करोड़ रुपए तक की पेमेंट होती है, 2 करोड़ की पेमेंट होती है, 5 करोड़ की पेमेंट होती है। तो चेक के कागज का मूल्य नहीं है बल्कि उस पर मोहर जो लगी है उसका मूल्य है, उस पर जो साइन है उसका मूल्य है। तो इसे हम लोग कहते हैं साख मुद्रा। साख मुद्रा का मतलब क्या होता है, उसके निर्माण में लगी हुई वस्तु का मूल्य कम है, उस पे अंकित मूल्य जो होता है उसका वैल्यू ज्यादा होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं साख मुद्रा। हमारे देश में जितने भी करेंसी नोट चलते हैं, चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया, सब साख मुद्रा का एग्जांपल है। एक होता है हमारा आदेश मुद्रा। देखो आदेश मुद्रा वो मुद्रा होती है जो हमारे देश के अंदर हमारी सरकार चलाती है, उसे हम आदेश मुद्रा कहते हैं। हमारे देश के अंदर सरकार कभी भी चेक नहीं चलाती, वो आदेश मुद्रा नहीं है। कभी भी ड्राफ्ट नहीं चलाती, वो आदेश मुद्रा नहीं है। कभी भी हमारे देश के अंदर शेयर्स हमारे देश की गवर्नमेंट नहीं कहती कि मुद्रा के रूप में एक्सेप्ट करो, तो वो हमारे देश के अंदर आदेश मुद्रा नहीं है। हमारे देश के अंदर आदेश मुद्रा वो है जो हमारे देश की सरकार द्वारा चलवाया जाता है, जैसे करेंसी नोट जिसमें 500 का नोट है, 200 का नोट है, 100 रुपए का नोट है, और 20 रुपए का नोट है, 50 रुपए का नोट है, और 10 रुपए का नोट है, और जितने भी सिक्के चलते हैं वो हमारे देश की आदेश मुद्रा है। समझ में आ गया होगा आदेश मुद्रा क्या है। एक होता है न्यास मुद्रा। न्यास मुद्रा जैसे मैंने अभी बताया था, आदेश मुद्रा वो होती है जो सरकार चलाती है, न्यास मुद्रा वो होती है जो बैंक वगैरह चलाती है, जो संस्थाएं चलाती है, जो लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर बिलीव कर एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि चेक, ड्राफ्ट, बिल्स, ये सारी चीजें क्या है, न्यास मुद्रा का एग्जाम्पल है। तो आप मैंने आपको बता दिया प्रमाणिक सिक्के क्या होते हैं, सांकेतिक सिक्के, साख मुद्रा क्या होता है, आदेश मुद्रा क्या होता है, और न्यास मुद्रा क्या होता है। अगला आ जाता है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुद्रा के कार्य।
देखो मैंने अभी आपको बताया था कि मुद्रा के चार प्रमुख कार्य हैं, पिछले टॉपिक में बताया था। एक है माध्यम, मुद्रा माध्यम के रूप में काम करता है। मापक मुद्रा हर चीज़ को मापने का काम करता है। इसके अलावा मान, मुद्रा हर चीज़ का मान निकाल देता है। जैसे कि अगर हमने किसी से, आजकल देखा आपने होम लोन लेते हैं हम लोग, तो होम लोन लेते हैं तो क्या होता है, हमें 20 साल तक पेमेंट करनी है, तो वो सब निकाल देता है कि कितना कितना इंटरेस्ट देना है, कैसे देना है। तो ये मुद्रा की वजह से ही तो संभव हो पाया। तो मुद्रा क्या करता है, माध्यम का काम करता है, मापक का काम करता है, मान का काम करता है और भंडार का काम करता है। तो यही मुद्रा के चार कार्य हैं। मुद्रा का सबसे पहला कार्य है विनिमय का माध्यम। मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में काम करता है। जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर हम एक सामान ले जाते थे तो दूसरा सामान मिलता था। आज हमें कोई सामान लेके जाने की जरूरत नहीं है, आज हम मुद्रा लेके जाते हैं और बाजार से कोई भी सामान खरीद लेते हैं। तो मुद्रा आज विनिमय के माध्यम के रूप में काम कर रही है। तो मुद्रा ने विनिमय का माध्यम बनकर वस्तु विनिमय प्रणाली की कौन सी समस्या को दूर कर दिया, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है 4 नंबर का। तो मुद्रा ने विनिमय के माध्यम के रूप में वस्तु विनिमय प्रणाली के दोहरे संयोग का अभाव जो समस्या थी उसको दूर कर दिया, और एग्जाम में आता है तो आप पूरा यही लिख देना, चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है मूल्य मापक। मुद्रा का दूसरा काम है मूल्य मापक। मुद्रा के इस कार्य को हम लेखे की इकाई का नाम से भी जानते हैं। मुद्रा हर चीज की वैल्यू को नापने काम करता है। कपड़ा कितने रुपए, फर्नीचर कितने रुपए, ठीक है, ये बिल्डिंग कितने रुपए, हर चीज को नापने का काम करता है, ठीक है। और मुद्रा हर चीज को जो नापता है उसको हम लोग कीमत कहते हैं। क्लियर हो गया। और मुद्रा ने पहले वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या थी, सामान्य मापक का अभाव था। हर चीज को नापने में दिक्कत होती थी कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु कितनी होनी चाहिए, लेकिन मुद्रा ने आकर इस समस्या को भी दूर कर दिया। मुद्रा ने वस्तु विनिमय प्रणाली के सामान्य मूल्य मापक की दिक्कत जो थी उसको मूल्य मापक बनकर दूर कर दिया। क्लियर हुआ। तो ये पढ़ना बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। उसके बाद आ जाते हैं मुद्रा का तीसरा कार्य है स्थगित भुगतानों का मापक। वस्तु विनिमय प्रणाली में एक बंदा दूसरी वस्तुओं में उधार खरीदने और बेचने से बहुत ज़्यादा डरता था, क्योंकि वस्तुओं की गुणवत्ता में परिवर्तन आता है और भविष्य के अंदर लड़ाई झगड़े होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। लेकिन मुद्रा ने आकर उधार खरीदना और बेचना बहुत ज़्यादा ईजी बना दिया। मुद्रा से हम आसानी से वस्तुओं की जगह हम मुद्रा के ऊपर आसानी से इंटरेस्ट लगा सकते हैं, और मुद्रा की जो वैल्यू है उसके अंदर भी परिवर्तन नहीं आता। मुद्रा नई हो या पुरानी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए स्थगित भुगतानों का मापक, मुद्रा ने वस्तु विनिमय प्रणाली में भावी भुगतान में होने वाली दिक्कत को स्थगित भुगतानों का मापक बनकर इस समस्या को भी दूर कर दिया। मूल्य संग्रह, आपको पता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में हम चीजों को संग्रह नहीं कर सकते। जैसे एक सब्जी वाला क्या सब्जी को संग्रह करेगा, एक फर्नीचर वाला कैसे फर्नीचर को संग्रह कर सकता है, एक मान के चलो मुर्गी फार्म चलाने वाला व्यक्ति क्या मुर्गियों को जमा करेगा, तो मुर्गियों की तो क्या हो जाएगी, डेथ होती रहेगी एक तरफ, कैसे जमा कर सकता है अपनी वेल्थ। तो इसी तरीके से, लेकिन जब हमारे देश के अंदर मुद्रा आई तो मुद्रा में एक मुर्गी वाला व्यक्ति भी जो मुर्गी बेचता है वो भी मुद्रा ही जमा करेगा, फर्नीचर वाला भी मुद्रा ही जमा करेगा, कपड़े वाला भी मुद्रा ही जमा करेगा। तो अब हर इंसान, सब्जी वाला भी अपनी मुद्रा आसानी से जमा कर सकता था, अपनी वेल्थ जमा कर सकता था। तो मूल्य संग्रह में क्या हो गई, आसानी हो गई। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर मूल्य संचय के भंडार में दिक्कत आती थी, लेकिन मूल्य संग्रह में अब आसानी हो गई। वस्तु विनिमय प्रणाली की यह समस्या भी अब दूर हो गई। क्लियर हो गया। तो उसके बाद देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी लिखा है, मुद्रा के द्वारा वस्तु विनिमय प्रणाली का समाधान कैसे किया गया। दोहरे संयोग का अभाव विनिमय के माध्यम के रूप में, सामान्य मूल्य मापक का अभाव मूल्य मापक के रूप में, भावी भुगतान में कठिनाई भावी भुगतान का मानक बनकर, मूल्य संचय में कठिनाई मूल्य का भंडार बनकर। तो अगर एग्जाम में आ जाता है ना 4 नंबर का क्वेश्चन किसी भी एक पॉइंट पे, तो आप जो मुद्रा के कार्य वाला पॉइंट है वही उठा के लिख देना। मैंने इसलिए लाभ भी लिख दिए सब में, ठीक है। उसके बाद एक नया टॉपिक आ जाता है हमारा, ये इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। चैप्टर में टॉपिक का नाम है मुद्रा पूर्ति। मुद्रा पूर्ति का मतलब क्या होता है, देखो मुद्रा पूर्ति का मतलब होता है किसी समय बिंदु पर, जैसे कि मान लो अभी हमारे देश के अंदर यानी हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा का कितना स्टॉक है, हमारे देश के अंदर अभी कितनी मुद्रा है जो देश के अंदर घूम रही है, उसी को हम लोग मुद्रा पूर्ति के नाम से जानते हैं। देखो होता क्या है कि हमारे देश की जो RBI है वो बहुत सारे नोट छापकर अपने पास रख लेती है, लेकिन जो नोट छापकर रख लिए जाते हैं वो मुद्रा पूर्ति नहीं होती। मान लो ये हमारी RBI है और ये हमारी अर्थव्यवस्था है, तो अर्थव्यवस्था के अंदर क्या क्या होता है, अर्थव्यवस्था के अंदर सरकार भी होती है, अर्थव्यवस्था के अंदर लोग भी होते हैं, अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत सारे बैंक भी होते हैं, अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत सारी संस्थाएं कंपनियां सब कुछ है।
आरबीआई जो नोट छापकर हमारी अर्थव्यवस्था में धीरे 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 डालता रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं मुद्रा पूर्ति। मुद्रा पूर्ति का मतलब होता है एक समय बिंदु पर हमारी इस अर्थव्यवस्था में टोटल कितना पैसा है, उसी को हम लोग मुद्रा पूर्ति के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। अब आते हैं घटक। मुद्रा पूर्ति घटक क्या है? करेंसी, ठीक है। करेंसी का मतलब दोनों चीजें आ गई, करेंसी मतलब नोट भी आ गया और सिक्के भी आ गई, ठीक है। करेंसी बैंकों की मांग जमाए, बैंकों के पास जितना पैसा रखा है। देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मैं बोलता हूं कि आपके पास अभी कितना पैसा है, आपके घर में आपने मान लो 10,000 रुपए रख रखे हैं, या तो वो सिक्कों की फॉर्म में होंगे या वो नोट की फॉर्म में होंगे। दूसरा आपने क्या कर रखा होगा, आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे होंगे, मान लो 6,000-7,000 रुपए, और उसका कार्ड आपके पास है, तो आप ऑन द स्पॉट किसी को भी उस कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। तो कुल मिलाकर मुद्रा पूर्ति का जो घटक है वो क्या है, करेंसी और बैंकों के पास जो रखी हुई ऐसी जमाएं हैं जिसे हम तुरंत निकाल सकते हैं। क्लियर। अब अगला आ जाता है मुद्रा पूर्ति के स्रोत। मुद्रा पूर्ति के स्रोत कौन कौन है, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था में जो पैसा आता है उस पैसे की जिम्मेदार, यानी मुद्रा पूर्ति, जब भी हमारे देश के अंदर पैसा बढ़ता है या कम होता है तो उसके पीछे कौन से लोग होते हैं, यानी मुद्रा पूर्ति के पीछे कौन से लोग हैं। एक सरकार है, दूसरा आरबीआई है, और तीसरा व्यावसायिक बैंक। समझा देता हूं कैसे। सरकार हमारे देश के अंदर लोगों से बहुत सारा टैक्स लेती है और बहुत सारे प्रोजेक्ट पर पैसा खर्च भी करते हैं, जैसे शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, और सरकार के कहने पर ही आरबीआई बहुत सारे नोट छापती है, यानी मुद्रा पूर्ति के अंदर सरकार का एक बहुत अहम रोल होता है। दूसरा आरबीआई, आरबीआई देश के अंदर करेंसी संभालती है और सभी बैंकों को नियंत्रित करती है, इसलिए देश के अंदर मुद्रा पूर्ति का सबसे बड़ा हाथ जो होता है देश के अंदर वो आरबीआई के हाथ में होता है। अगला होता है व्यावसायिक बैंक, क्योंकि व्यावसायिक बैंक हमारे देश के अंदर लोगों से सीधा जुड़े हुए होते हैं, लोगों को लोन देते हैं, ठीक है, लोगों की जमाएं अपने पास रखते हैं, तो हमारे देश के अंदर व्यावसायिक बैंक भी मुद्रा पूर्ति को बहुत बड़े लेवल पर क्या करता है, प्रभावित करता है। देश में मुद्रा पूर्ति के स्रोत या मुद्रा पूर्ति को प्रभावित करने वाले लोग कौन कौन से हैं, सरकार, आरबीआई और व्यावसायिक बैंक। क्लियर हो गया। अब आते हैं मुद्रा पूर्ति में किनको शामिल नहीं किया जाता, ये आपको याद करना है। पहला सीआरआर में जमा राशि, अभी बैंक वाले चैप्टर में पता चलेगा। आरबीआई के पास सोने का जो स्टॉक होता है, ये कभी भी मुद्रा पूर्ति में शामिल नहीं किया जाता। देखो आरबीआई जितने भी नोट छापती है उसके बदले एक सोने का स्टॉक हमारे देश के अंदर रखा जाता है, और उस स्टॉक को, सोने के स्टॉक को आरबीआई कहीं भी यूज नहीं कर सकती, इसलिए मुद्रा पूर्ति का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो मुद्रा पूर्ति में शामिल नहीं किया जाता सीआरआर में जमा राशि और आरबीआई के पास रखा हुआ सोने का स्टॉक, तो ये बात याद रख लेना है। अगले नंबर पे सबसे लास्ट टॉपिक है, मुद्रा पूर्ति से ही जुड़ा हुआ है, टॉपिक का नाम क्या है, मुद्रा पूर्ति को मापने के क्या क्या तरीके होते हैं, ठीक है। मुद्रा पूर्ति के घटक बता दिया, मुद्रा पूर्ति की डेफिनेशन बता दी, मुद्रा पूर्ति में क्या शामिल नहीं किया जाता ये बता दिया। अब आ जाते हैं हम लोग मुद्रा पूर्ति के माप। देखो मुद्रा पूर्ति को नापने के लिए ना बहुत सारे मेथड बनाए गए हैं, और अलग अलग संस्थाएं अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग मेथड्स का यूज करती है, ठीक है। लेकिन मुद्रा पूर्ति के जो सबसे फेमस मेथड है और जो हमारे सिलेबस के अंदर है वो चार है, M1, M2, M3 और M4। तो हमें याद रखना है सिर्फ मुद्रा पूर्ति को नापने के चार बड़े तरीके हैं, M1, M2, M3 और M4। क्लियर हो गया। जरा चारों को समझ लेते हैं। M1 क्या कहता है, M1 कहता है C+DD+OD। मुद्रा पूर्ति निकालने का पहला मेथड M1 ये कहता है, जनता के पास जितना पैसा है, यानी करेंसी है सिक्कों के रूप में और नोट के रूप में, DD बैंकों के पास जितनी मांग जमाए हैं, OD और हमारे आरबीआई के पास जितनी अन्य जमाएं हैं। अन्य जमाएं का मतलब जैसे होता है आरबीआई के जितना भी पैसा IMF, सरकार, विश्व बैंक आदि के पास पड़ा हुआ है, वो पैसा किसके अंदर आ जाता है, मुद्रा पूर्ति के अंदर शामिल किया जाता है। अच्छा, M1 मेथड जो है वो मुद्रा पूर्ति का सबसे तरल विधि माना जाता है। तरल मतलब सबसे आसान और सबसे तरल, तरल मतलब होता है जिसमें सबसे इजीली पैसा कैलकुलेट किया जा सकता है। क्लियर। इसे हम लोग संकुचित मुद्रा के नाम से भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे छोटा मेथड है और सबसे सरल मेथड है, इसलिए हम इसको संकुचित मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग M2 में क्या आता है, M1 पूरा। M1 में क्या क्या आता है, C+DD+OD और डाकघर के पास जो बचत जमा हमारी रखी हुई है। लोग, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना डाकघर में भी अपना पैसा जमा करवाते, तो वो वाला जो
पैसा होता है वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है, तो M2 मेथड बनता है। M2 मेथड कैसा बनेगा, M1 में जितना पैसा है और डाकघर में आपने जितना पैसा जमा करा हुआ है उसको जोड़ दो। यह M1 की तुलना में अधिक व्यापक होता है, कह रहा है ये M1 जो मेथड है उसकी तुलना में थोड़ा सा बड़ा मेथड होता है। क्यों नहीं होता, देखो M1 इसमें पूरा आ रहा है और डाकघर की भी जमा इसमें शामिल किया जा रहा है, तो M1 से तो बड़ा मेथड है ये, ठीक है। और ये M1 की तुलना में कम तरल होता है, इस ये सबसे ज्यादा तरल होता है और ये उससे थोड़ा कम तरल होता है, फिर उससे कम तरल ये होता है और सबसे कम तरल ये होता है, याद रख लेंगे। फिर आते हैं हम लोग M3, M3 में क्या आता है, M1 पूरा और व्यापारिक बैंकों के निवल सावधि जमाएं, निवल मतलब होता है जो फिक्स डिपॉजिट होती है, फिक्स डिपॉजिट का पैसा इसमें शामिल कर दिया जाता है। M1 की तुलना में M3 मुद्रा पूर्ति के व्यापक माप है, व्यापक माप मतलब कह रहा है कि ये इससे बड़ा है, तो भाई मैंने पहले बताया था इससे बड़ा ये वाला है और इससे भी बड़ा ये वाला है, क्लियर है। इसमें सभी घटकों के अतिरिक्त व्यापारिक बैंकों के पास लोगों की सावधि जमाएं भी शामिल किया जाता है, तो वही चीज बोल रहा है, इसमें फिक्स डिपॉजिट भी शामिल किया जाता है। अब आते हैं हम लोग M4, M4 में क्या आता है, M3 पूरा, M3 देखो M3 में क्या क्या आ गया, M1 आ गया, व्यापारिक बैंकों की निवल सावधि जमाएं आ गई और इसमें डाक खाने की कुल जमाएं शामिल कर दी जाती है, ठीक है। M4 मुद्रा पूर्ति का और भी अधिक व्यापक रूप है, देखो मैंने बोला था सबसे छोटा ये है मेथड, उससे व्यापक ये है, उससे व्यापक ये है और सबसे व्यापक ये वाला है। इसमें डाकघरों की कुल जमाओं को भी शामिल कर दिया जाता है। तो मुद्रा पूर्ति के ये चार मेथड है भाई, फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं इनके अंदर, M1 का फॉर्मूला बताओ, M2 का, M3 का, M4 का। सबसे अधिक तरल विधि मुद्रा पूर्ति की कौन सी है, M1, उससे कम M2, उससे कम M3 और उससे कम M4। सबसे विस्तृत देखो इन दोनों मेथड को विस्तृत बोला जाता है, ये दोनों कैसे हैं, विस्तृत विधियां हैं, और ये दोनों कैसी विधियां हैं, संकुचित विधियां, मतलब ये छोटी विधियां हैं और ये बड़ी विधियां हैं। तो तरलता के आधार पर भी मैंने आपको बता दिया, ये सबसे कम व्यापक है, ये उससे बड़ा व्यापक है, ये उससे बड़ा मेथड है और ये सबसे बड़ा मेथड है, क्लियर हो गया। तो बच्चों यहां पर हमारा जो मुद्रा वाला चैप्टर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। तो मिलता हूं मैं आपको अगली क्लास के अंदर।